यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। देवभूमि हिमाचल, जिसे अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन लगातार बढ़ते अपराध के आंकड़ों ने देवभूमि को दानवों की भूमि बना दिया है। हिमाचल की सुंदरता पर दाग लगने लगे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में 9 मर्डर और 20 रेप के मामले उजागर हुए हैं और ये मामले अभी थमे नहीं है। ऐसे में विपक्ष को अच्छा खासा मुद्दा भी मिल गया है मौजूदा जयराम सरकार को घेरने का। और आज भी युवा कांग्रेस जयराम सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरी है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें लापरवाही सिर्फ जयराम सरकार की नहीं, पूर्व कांग्रेस सरकार की भी है, क्योंकि वीरभद्र की सरकार में प्रदेश की बेटी के साथ ऐसा कुकृत्य हुआ था जिससे पूरी देवभूमि शर्मसार हो गई थी। और इसी के साथ ताजा मामला कसौली का है, जहां पर अवैध होटलों के गिराने गई टीम पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें महिला अधिकारी के सिर पर गोली लग गई। तो इन सबके बीच में ये सवाल उठाना तो लाजमी है कि आखिर हिमाचल में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए मौजूदा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा आज के बड़े सवाल आपको दिखाते हैं। तो आज के बड़े सवाल जो है वो आपको हम दिखाते हैं। और आज का बड़ा सवाल है कि हिमाचल में क्यों बढ़ रहा है अपराध। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्यों बढ़ रहे हैं रेप, मर्डर और दुष्कर्म जैसे मामले। और शांत और खुशहाल हिमाचल को किसकी नजर लग गई है? क्यों यूपी बिहार की तर्ज पर अपराध की ओर बढ़ रहा है हिमाचल, और बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये आज के बड़े सवाल है। देवभूमि में अपराध को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय दीजिए, हमें फोन कीजिए। और इस कार्यक्रम के सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश मंडी से। राजेश, अपनी राय रखिए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। ये ना कोई हिमाचल में ही नहीं है, मतलब समस्त भारत में ही ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहे हैं। और आप कल की ये सोलन की ये घटना है जी, कि पता नहीं क्यों लोग जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं जी। और जैसे हर रोज जो है डेली जो है कहीं ना कहीं जो है रेप की घटनाएं घट रही है। सबसे पहले मैडम जी, सरकारें चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी है, ये तो इनको जो है सख्त सख्त कदम तो उठाने चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार में हो रहे या कांग्रेस की सरकार में होते हैं। लोगों की जो है मेंटलिटी कैसे चेंज हो मैम, ये जो है सबसे बड़ी बात ये है। और साथ ही जो है सरकार को इतने स्ट्रिक्ट जो है कानून जो है वो कड़े करना चाहिए। और जो लापरवाही हो रही है बार बार, जब कहीं कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो ये हमारी यही मांग है कि सरकार को सख्त से सख्त कानून जो है लागू करना चाहिए मैम। ऐसा नहीं है कि कानून है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये तो जरूरी हो गया है कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और सरकार को ठोस नियम अपनाने चाहिए। और कैथल से डॉक्टर श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है प्रदेश में, देश में और हिमाचल में, ये तो 7-8 साल की लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है जी। और पता क्या है, ये सरकार संभालने में अक्षम है और ना ये संभाल सकती, सिर्फ बातों बातों में ले लिया काम जी। मैं कहता कि ना तो बच्ची को, मैं कहता ये कानून बनाया इन्होंने जी, कि 12 साल के बाद फांसी होनी चाहिए। 12 साल की लड़की से पहले जो छोटी हो, 12 साल के बाद जो करते वो उसको माफ होगा क्या जी? मैं कहता सिर्फ और सिर्फ बातों में रह गई है सरकार जी, ना कुछ करना जानती, ना कहना कहने में, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया जी। दुनिया भूखी मर रही है, ये 2024 का सपना दिखा रहे हैं, 2019 भी देख ले तो फिटो बुक कर देना जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको एक केस ऐसा भी बताते हैं, आपने कहा कि मौजूदा सरकार है, इसे सरकार संभालने नहीं आ रही है, तो एक केस आपको ऐसा भी बताते हैं। 2015 में सरकारी कॉलेज में एक ऐसा ही कुकृत्य हुआ था और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, अम्बाला से अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए बेहद चिंता का विषय है
जी, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ऑल ओवर जो क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ता जा रहा है जी। एक तो हमारी मानसिकता खत्म हो चुकी है जी, हमारी मानसिकता में थोड़ा सुधार होना चाहिए, मानसिकता हमारी ठीक होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, सभी सरकारें फेल हो रही हैं, सभी सरकारें जी, सत्ता हो विपक्ष हो जी, सत्ता हो विपक्ष हो, इन राजनेताओं को अपनी मौज मस्ती के सिवा कोई काम नहीं। बड़ा अफसोस है, बड़ा एक निंदनीय है, बड़ा दुखद है जी, बिल्कुल निंदनीय है ये घटनाएं, बड़ा ही अफसोस होता है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हिमाचल में भी ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं। मेरी बात सुनिए, एक बात और कहना चाहूंगा जी, देखिए बिन भय प्रीत नहीं, कानून सख्त हो, सख्त कानून हो जी, कानून तो बना दिया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जी, बातों से बात नहीं बनेगी जी, ये हवाई फायर कर रहे हैं, आम जनता दुखी है, सरकार कोई भी हो, मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है जी, सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जी, बिल्कुल बातों से बात नहीं बनेगी, जितने भी कानून बनाए गए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लागू करने चाहिए। और इसी के साथ पानीपत से रणबीर मान हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी मैं हरियाणा पुलिस में नौकरी करता हूँ जी, और ये हिमाचल हिमाचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान का ही ये हालात है जी, हमारे हरियाणा में भी कम नहीं है जी, ये लोगों की मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी जी, बिल्कुल हर इंसान को, हर लड़की को अपनी बहन समझना चाहिए जी, बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो ये पार्टियां विपक्ष कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो जी, वो धरने प्रदर्शन करता है, ये दर्शन धरने प्रदर्शन करने के बजाय देहातों में शहरों में जाके बच्चों की मानसिकता क्यों नहीं चेंज करते हैं जी, ये अपनी रोटी क्यों सेकते हैं राजनीति रोटियां। सख्त कानून बनाना चाहिए और बिल्कुल इंसान की मानसिकता चेंज करनी चाहिए जी, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और खुद की भी मानसिकता को बदलना चाहिए, और हर एक बहन बेटी को अपनी बहन बेटी अगर समझकर चला जाए तो समाज में लड़कियां महफूज होंगी, क्योंकि आजकल लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, चप्पे चप्पे पर हैवानों की नजर है लड़कियों के ऊपर। और एक केस आपको बताते हैं 21 मई 2015 का, जहां पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और वहां पर सच का गला घोटा गया, उसे सामने नहीं आने दिया गया। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर कैथल से ज्ञानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, मेरा कहना ये है कि 2019 आने वाला है जी, जो कर रहा है ये विपक्ष कर रहा है जी, जो भी कर रहा है ये विपक्ष कर रहा है, जो भाड़े के टट्टू हैं सब यही काम कर रहे हैं, नहीं शांति थी बहाली थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी राय थी कि 2019 के चुनाव आने वाले हैं और तो विपक्ष की रणनीति है, ये सब कुछ विपक्ष कर रहा है, लेकिन ऐसे अपराध कांग्रेस के समय में भी हुए हैं और जयराम सरकार के समय में भी हुए हैं, तो ये जो क्राइम का जो ग्राफ है वो थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। और ज़्यादातर केस जितने भी पाए गए हैं वो बाहर से आए प्रवासियों के पाए गए हैं, जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं वो अधिकतर तौर पर प्रवासी बताए गए हैं, और नशे का भी यहाँ पर एक मुख्य कारण बताया गया है कि जितने भी ये केस बढ़ रहे हैं नशे के कारण भी बढ़ रहे हैं। तो आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, देवभूमि में अपराध को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, अपनी राय दीजिए। और क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी माएँ हैं और आपकी बेटियां महफूज नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। तो टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल के क्राइम की, हिमाचल में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पहले हिमाचल को जाना जाता था शांति के लिए, लोगों को अगर शांति चाहिए होती थी, पीस चाहिए होता था तो वो हिमाचल की ओर रुख करते थे, लेकिन आज हिमाचल में क्राइम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गुड़िया के रेप केस का मामला हो। लेकिन इसमें बड़ी बात ये भी बताते हैं कि जो गुड़िया का रेप केस का मामला है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है, अभी भी उसकी पूरी जितनी भी जानकारी है वो सामने निकल कर नहीं आ पा रही है, यानी कि
ऐसे गैंगरेप होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ ज्यादा समय तक खाली रहते हैं, आरोपी गिरफ्त से बाहर रहते हैं और वो खुलेआम घूमते हैं। तो यानी कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी ये गुंडे हैं, इनको कानून का डर नहीं रह गया है। तो आज बात कर रहे हैं हिमाचल के बढ़ते क्राइम की, और हिमाचल में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और इसी के साथ एक और घटना आपको बताते हैं, 28 जून 2015 की, जिसमें एक विधवा महिला ने एक पुरुष के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और ये हवाला दिया था कि शादी का झांसा देकर के उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। लेकिन इसके ऊपर हिमाचल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि हर एक महिला को अपने रिश्ते में सम्मान जो बचाना है वो उसकी ही जिम्मेदारी है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम भी जागरूक हो जाएं तो ये अपराधों को रोका जा सकता है। और आज के बड़े सवाल आपको लगातार हम बता रहे हैं कि हिमाचल में अपराध क्यों बढ़ रहा है, रेप के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, मर्डर और दुष्कर्म जैसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं, शांत और खुशहाल हिमाचल को किसकी नज़र लग गई है, क्यों यूपी बिहार की तर्ज पर अपराध की ओर हिमाचल लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये बड़े आज के सवाल हैं। और आप अपनी राय हमारे समक्ष रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तो आज हम हिमाचल के बढ़ते क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। न सिर्फ हिमाचल में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बल्कि हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, क्राइम लगातार हर जगह बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज मुख्य बिंदु जो है वो हिमाचल है, क्योंकि हिमाचल को शांति के लिए जाना जाता है और वो शांति कहीं ना कहीं भंग होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो जयराम की सरकार में वो शांति भंग हो रही हो, चाहे वो वीरभद्र की सरकार में शांति भंग हो रही हो। और हिसार से हमारे अगले कॉलर रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अपनी राय रखिए। मैम, जिस तरह से हिमाचल में अपराध बढ़ रहा है वो दिखा रहा है कि सरकार की और प्रशासन की कमी है। लोगों में डर नहीं है प्रशासन का, क्योंकि अपराधी के मसले तभी ज्यादा बढ़ते हैं तब उसको किसी चीज का डर नहीं होता। अगर प्रशासन का डर होता है तो अपराध करने वाला एक तो सोचता है कि मैं अपराध करूँ या ना करूँ, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, तभी ये सब काम हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और तभी जितने भी ये गुंडे हैं, जितने भी ये हैवानियत से ये इन सारे कृत्यों को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, इनके अंदर कानून का डर पैदा होगा, क्योंकि कानून कई सारे बनाए जाते हैं। अभी भी हाल ही में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया है, जितने भी जो आरोपी होंगे, जितने भी दोषी पाए जाएंगे, उनको फांसी की सज़ा दिए जाने का संशोधन किया गया है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप में। तो कानून बनाए जा रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं अभी भी कमी देखी जा रही है। तो इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, हिमाचल में जो है क्राइम लगातार बढ़ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार क्या सरकार है, क्या इसके जिम्मेदार हमारा पूरा समाज है, या फिर इसका जिम्मेदार कानून है जो सही से अपना कार्य नहीं कर रहा। क्योंकि देखा जाता है जितने भी ये दुष्कर्म के मामले आते हैं, जितने भी ये रेप के मामले आते हैं, आरोपी कई दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। और इसका ताज़ा मामला जो है वो गुड़िया रेप केस का मामला है, जिसमें 9 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी भी ये केस जो है अधर में लटका हुआ है, अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो आज हम हिमाचल के बढ़ते क्राइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों हिमाचल की जो शांति है वो भंग होती जा रही है। तो देवभूमि में अपराध को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं, क्योंकि आज का ये मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारी बहु बेटियों को लेकर ये मुद्दा है, क्योंकि हमारी बहु बेटियाँ कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं कि महफूज नहीं है, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। प्रदेश सरकार कितने भी दावे कर ले कि वो शिक्षा में अव्वल है या फिर किसी भी चीज़ में अव्वल है, लेकिन बेटियां महफूज नहीं हैं। देखा ये जाता है कि जितने भी स्कूल होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूरी पर बनाए जाते हैं, जिसके बीच में एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और इस बीच जो गुंडे हैं वो अपनी गंदी हरकतों को अंजाम दे जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लड़कियां होती हैं जो बोल पाती हैं और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो नहीं बोल पाती, तो उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज का मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ रेप,
न सिर्फ दुष्कर्म बल्कि मर्डर जैसी भी घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती जा रही हैं। हिमाचल जो है जिसे शांति के लिए जाना जाता था, आज उसकी शांति कहीं ना कहीं भंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। तो आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, हिमाचल में अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहे हैं रेप, मर्डर और दुष्कर्म जैसे मामले, और शांत और खुशहाल हिमाचल को किसकी नजर लग गई है, क्यों यूपी बिहार की तर्ज पर अपराध की ओर बढ़ रहा है हिमाचल, बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कानून जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है। तो ये बड़े सवाल आज के हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, हमें फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप सभी के लिए आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय नरवाना से, अपनी राय रखिए। जी मैं यूं कहना चाहूंगी, यो जो अपराध बढ़ता जा रहा है इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, पूरे देश की बात हो, हर जगह नु देखने को मिला है कि जब भी महिलाओं के जो अपराध बढ़ता है खिलाफ, तो सरकार जो है सामने आती नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं कहती है जिससे कि लगे कि जो सरकार है वो गंभीर है महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम मुझे तो लगता है कि सरकार ही जिम्मेदार है। अगर सरकार कोई कड़े कदम उठाए अपराधियों पर, नकेल कसे, अपनी जो पुलिस है उसके जिम्मेदार पुलिस भी है और पुलिस भी जो है सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल जो उठे मैडम, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हम तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि देखा यह जाता है कि जब सरकारें होती हैं, अगर वो विपक्ष में होती है तो वो कई तरह से प्रदर्शन करती हैं, उंगलियां उठाती हैं, लेकिन जब वो खुद मौजूदा समय में होती हैं तो वो चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करती। और आज युवा कांग्रेस भी प्रदर्शन के लिए उतरा है सड़कों पर, और गैंग रेप के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, मौजूदा सरकार को घेरा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जयराम सरकार में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं पहले भी हुई हैं, वीरभद्र की सरकार में भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो राजनीतिक मुद्दा भी बनी हैं। तो आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, देवभूमि में अपराध को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल में बढ़ते क्राइम की। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बेहद ही चिंता का विषय बन गया है सभी के लिए, क्योंकि जो हिमाचल है उसको शांति के लिए जाना जाता है, पीस के लिए जाना जाता है। देखा भी जाता है कि काफ़ी जितने भी फॉरेनर्स होते हैं या फिर और भी भारत के और भी दूसरे कोने से लोग होते हैं, वो हिमाचल में जाते हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, लेकिन अब हिमाचल में गुंडागर्दी का माहौल फैल गया है। और हिमाचल से हमारे अगले कॉलर परविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी। हेलो जी परविंदर बोलिए। मैडम देखिए, आपका जो टॉपिक है आज का, ये जो आप देवभूमि नाम कह रहे हैं जी, ये बोलने के लिए देवभूमि है हिमाचल में, तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे मौजूदा बीजेपी है जी, ये बिल्कुल जंगल राज है, भ्रष्टाचार बिल्कुल है, यहाँ की अफसरशाही जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार है जी, पुलिस बिल्कुल नालायक है यहाँ की। और इसके लिए जो हिमाचल का जो क्राइम है, इसका जो मैं आपको जो मेन रीजन बता रहा हूँ वो ये है कि जो हिमाचल में धारा 118 होती है एक, जिसमें नॉन हिमाचली को यहाँ जगह जमीन जायदाद दी जाती है जी, वो इसमें एक मतलब मेन कारण है, क्योंकि मेरे साथ मेरी आप बीती है जी। मैं यहाँ शिमला में हूँ, राजधानी हेडक्वार्टर के पास ये सोगी स्टेशन है जी, तो मेरे साथ ही मेरे नेबरर है, इमीडिएट नेबरर, तो उनको 118 में जगह दे रखी है, वो लोग खुद रहते नहीं यहाँ, उस मकान में दो नंबर के काम होते हैं वहाँ पे जी।
जी। इस मामले में हालांकि मैंने लोकल एसडीएम के वहां कैद कर रखी थी, शिमला ग्रामीण के एसडीएम के वहां, लेकिन वहां भी एसडीएम ने पैसे खा के 50,000 एक लाख रुपया लेके मेरे मामले को वैसे दबा दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होता वहाँ। वैसे ये दूसरा नेबर है, वो यूपी का भैया है, उसने उसको भी ऐसी जगह दे रखी, यहाँ पे मकान डाल रखे हैं, खुद लोग रहते नहीं वहाँ, किराए पे करते हैं, बिजनेस वहाँ चलता है, दो नंबर काम होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ये पूरे प्रदेश में ऐसा ही है। नाम की देवभूमि है, आप ऑफिस में चले जाए। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये तो देखा गया है, जितने भी प्रवासी हैं ज्यादातर आरोपी वही पाए गए हैं, और असंवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से प्रवासियों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाती है। तो इसी के साथ हमारी अगली कॉलर बिंदेश्वरी किन्नौर से हमारे साथ जुड़ गई है, अपनी राय रखिए। मैम मेरी राय ये है, जी हेलो, जी बोलिए। मेरी राय है ये है कि सरकार और कानून दोनों जिम्मेदार है इसके। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कानून और सरकार दोनों जिम्मेदार है ये हमारी जनता कह रही है, और कानून भी कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया अपना रहा है। कानून की गिरफ्त से जितने भी आरोपी होते हैं वो ज़्यादा समय के लिए बाहर रहते हैं, जिनसे उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, और अगली बार वो इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो सरकार भी इस वक्त कटघरे में आ गई है, जनता लगातार उन पर सवाल उठा रही है कि सरकार भी इसमें उतनी ही दोषी है जितनी कि कानून उसमें दोषी है। तो ये आज बात कर रहे हैं हिमाचल में बढ़ते क्राइम की, और हिमाचल में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि हिमाचल में आखिरकार अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पहले इक्का दुक्का मामला था जो सामने आता था, लेकिन अब कुछ सालों से जो है ये रेप केसेस, मर्डर केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, और 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मर्डर और 20 रेप के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार क्या सरकार है, क्या इसके जिम्मेदार कानून है। ये बड़े सवाल आज के हमारे कार्यक्रम के द्वारा उठाए जा रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर पानीपत से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र अपनी राय रखिए। मैडम मैं ये कहूंगा कि इसके साथ में सरकार के साथ जो पुलिस है, पुलिस भी सरकार का ही एक हाथ है जी। इसमें पुलिस का ढीला रवैया रहता है, अगर ऐसे केस होते हैं तो उसको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। और जैसे कि अभी पास्को एक्ट में बदलाव किया गया है जी, तो इसी तरह जो मुलाजिम मुजरिम होता है उसके ऊपर अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक के द्वारा जल्दी से जल्दी अगर सजा दी जाए तो इसको आगे के लिए ऐसी घटनाएं कम हो सकती है जी। बिल्कुल, अगर कानून अपना काम ठीक ढंग से करे तो जितने भी आरोपी हैं इनके अंदर कानून का डर जरूर बैठ जाएगा। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ रमेश शुक्ला बोल रहा हूँ। रमेश अपनी राय रखिए। हाँ ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आ रही है जो यानी कि हिमाचल से बाहरी लोग जो वहाँ पे बस रहे हैं आकर के, उन लोगों की वजह से ज्यादा है। जैसे कि जितनी भी खड्डे हैं या जितने फॉरेस्ट की जगह हैं सब पे कब्जा करके रखा हुआ, जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर के स्टेट से आ रहे हैं लोग, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके बारे में क्या सरकार क्या कर रही है, एक बुढ़िया कांड हुआ तो सरकार बदल गई, अब बीजेपी सरकार क्या कर रही है वहां पे। जी बिल्कुल, तो अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी खड्डे हैं उनमें जितने क्रशर चल रहे हैं जितनी दूसरी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो वाकई ये सवाल लाजमी है कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है, क्योंकि गुड़िया रेप केस का जब मामला हुआ था वीरभद्र की सरकार में तो मौजूदा सरकार ने बहुत सी उंगलियां उठाई थी और बहुत कुछ सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब खुद मौजूदा सरकार जो है वो जयराम सरकार है। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि जितने भी ये सभी अपराध हैं इनके ऊपर लगाम कौन लगाएगा, क्या कानून इसका जिम्मेदार है, क्या सरकार इसकी जिम्मेदार है। तो आज का ये बड़ा सवाल हम यहीं पर छोड़कर जाते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और हिमाचल में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। फिलहाल नमस्कार।